हेलो देयर माय ब्यूटीफुल लवली फॉलोअर्स एंड माय फ्रेंड्स. आज मैं निकलने वाली हूँ अहमदाबाद के लिए बिकॉज इट्स उत्तरायण और यहाँ मुंबई में उत्तरायण तो पॉसिबल इतनी है नहीं, लेकिन आपको पता है कि गुजरात और अहमदाबाद का उत्तरायण क्या होता है. अभी मैं आपको बहुत गंदी दिख रही होंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद क्विकली हम इतने ब्यूटीफुल हो जाएंगे कि आप बोलोगे वाव सब क्या लग रही है. तो निकल रही हूँ मैं अहमदाबाद के लिए, आप लोगों को दिखाऊंगी इस बार मैं उत्तरायण. देन दिस व्लॉग इज फॉर उत्तरायण स्पेशल. सो आज सुबह से आपको जानते ही हो कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो ये व्लॉग है मैं अपने घर जा रही हूँ और उत्तरायण है तो मैं 3-4 दिन के लिए व्लॉग कर रही हूँ. सो वी आर राइट नाउ इन टू मर्सिडीज शोरूम इन अहमदाबाद और वन ऑफ माई फ्रेंड हैविंग मर्सिडीज, सो ही इज हियर फॉर इंक्वायरी रिगार्डिंग हिज कार सर्विसेज एंड वी आर हैविंग राइट नाउ कॉफी. आई वुड लाइक टू शेयर द लुक ऑफ कॉफी. मैं पहुंच गई हूँ अहमदाबाद एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग, लेकिन मैं हूँ अभी मर्सिडीज के वर्कशॉप में इन अहमदाबाद और अभी तो मैं बैठी हूँ लॉन्ज में तो मैं इतने जोर से बोल रही हूँ, अदरवाइज अभी आपने देखा था कि मैं किस तरह से बात कर रही थी. सो यहाँ पे मेरी फ्रेंड की कार है, वो दी गई हुई है सर्विस में, तो यहाँ पे आए हैं हम लोग और उसके बाद मैं निकलूँगी मेरे घर के लिए बिकॉज ऑफिस में मुझे काम था थोड़ा, तो मुझे ऑफिस भी आना पड़ा, थोड़ा काम करना पड़ा, थोड़े 2-4 पेमेंट वगैरह जो मेरा फाइनेंशियल इश्यूज जो चल रहे थे वो सब ख़त्म किए, डन किया और उसके बाद नाउ आई एम हियर. Also tell me in the comment section that how I'm looking in this new look. You people liking or not? मेरे बाल के पीछे पड़े हैं सब लोग, बिगाड़ रहे हैं उसको क्योंकि मैं इतने सुंदर दिख रही हूँ तो किसी को अच्छा नहीं लग रहा. So as you know now I'm in Ahmedabad at my mother's house. My mama is making a dish, a sweet dish, जिसको बोलते हैं गुंदर पाक, right? गुंदर पाक जो विंटर में खाया जाता है जिससे हेल्थ अच्छा रहता है. उसका क्या क्या बेनिफिट है? मम्मी हंस रही है. उसका क्या क्या बेनिफिट है? क्या क्या बेनिफिट है हंसा जी? उसका बेनिफिट ये है कि आपको कुछ बैक पेन हो या कोई भी पेन हो विंटर में तो ये सब खाना चाहिए तो पूरा साल एकदम चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं हम. हेलो एवरीवन एंड दिस इज इवनिंग एंड वी आर वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन एंड माय ब्रदर इज सीरियसली इनटू वेरी मच इनटू उत्तरायण सो एवरी ईयर ही डू लाइक दिस बिफोर उत्तरायण 13th night he prepared this kind of thing. He always do this what we call this, hum isko bolte hain kinya in gujarati, kanni in hindi, yeah right. So hum log agle din hi ye sab karke rakh dete hain. So kal ke din 14th January hum bedhadak fatafat ek patang ke upar ek le leke fir usko udane ka start kar dete hain. मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों की सिटी में भी ये मिलता है. राइट नाउ आई एम सबमिटिंग सम वर्क
इन माई ऑफिस बिफोर उत्तरायण नाइट. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है. आपके सिटी में ठंड का माहौल कैसा है कमेंट करके ज़रा बताओ. बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है क्योंकि मेरे पापा पुराने गाने सुन रहे हैं और पतंग की कन्नी बांध रहे हैं. सो दिस इज़ द प्रोसेस गोइंग ऑन. और जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, जिंजरा बोलते हैं उसको हमारे यहाँ पे, जो हम खा रहे थे वो ग्रीन चना होता है. नॉर्मल जो चिक भी होता है उसको बाहर निकालने के पहले का जो होता है ना, वो मतलब प्लांट से निकाला हुआ, उसी को ऐसे ही सेक के या फिर उसको बॉईल करके भी खा सकते हैं. तो यहाँ पे उसको जिंजरा बोलते हैं और इस टाइम पे विंटर में वो बहुत रहता है. तो आप लोगों की सिटी में भी बताओ आप लोग उसको क्या बोलते हैं. हाँ, यहाँ पे गुजरात में जिंजरा बोलते हैं उसको. आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं, कमेंट डाउन. The next day. Hello everyone, good morning and this is the final day. Today is Uttarayan. और अभी मैंने नहाया नहीं है, हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, मेरी चाय. और ये सब करने के बाद मैं मस्त जल्दी से रेडी होंगी और जाएंगे हम लोग टेरेस पे, मस्ती करेंगे, धूम धमाल करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है. हेलो एवरीवन, सो आई नो दिस इज उत्तरायण और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा लेजी पना है जो जा नहीं रहा है बिकॉज ये छुट्टियां हैं और मैं हूँ घर पे. तो बस अभी थोड़ी देर के बाद मैं नहाने जाऊंगी, नहाने के बाद हम लोग जाएंगे छत पे, छत पे करेंगे मजे. हम लोग लंच की प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है. उंधिया उंधियू बनाया जा रहा है आज. वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई लव इन उत्तरायण इज उंधियू. दिस इज अ गुजराती ट्रेडिशन एंड वी मेक दिस डिश इन एवरी उत्तरायण एवरी ईयर एंड वी ऑल लव दिस डिश. और मैं आई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए बिकॉज 4:30 जितना हो गया है और सब लोग इतने आलसी है कि मुझे चाय बनाने के लिए आना पड़ा है यहाँ पे बिकॉज मैं इतना फ्लाइंग वगैरह करती नहीं हूँ. पतंग चगाना ये सब मैं इतना नहीं करती हूँ. हाँ, लेकिन मैं एंजॉय बहुत करती हूँ. खाना पीना एक दो चगाती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, मस्तियाँ करती हूँ. दिस इज माई फादर. फादर इज कटिंग दिस वेजिटेबल्स फॉर भेल. वी आर मेकिंग भेल. ये भी एक रिवाज है हमारे वहाँ पे कि जब चाय बनती है ना उत्तरायण के दिन तब भेल बनती ही है हर साल. We'll be right back.
हो चुकी है रात और हम सब थक के यहाँ पे बैठे हुए हैं। सब लोगों की हालत आप देख रहे हो इसमें, सबसे थका हुआ इंसान यहाँ पे ये है। ये इंसान है जो थक चुका है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसने बहुत पतंग उड़ाई है आज, और हम खा खा के थक गए हैं, और हमने इतना खाना खाया है, पूरे दिन खा खा ही किया है, और अब डिनर बाकी है। अब हम करेंगे डिनर, लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं मूवी भूज द प्राइड ऑफ इंडिया। मिलते हैं खाना खाने के बाद। और आज उत्तरायण खत्म हो चुकी है, लेकिन कल भी उत्तरायण होती है, जिसको छोटी उत्तरायण बोलते हैं गुजराती में, उसको वासी उत्तरायण भी बोलते हैं। और ये रिवाज सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद में है कि दो दिन तक उत्तरायण मनाई जाती है। दिस इज द नेक्स्ट डे एंड आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। दिस इज मकाई का रोटला एंड दिस इज चाय एंड दिस इज व्हाइट बटर। Me and my this squad, we are taking breakfast and this is the next day. This is called Vasi Uttayan. Next day. एक और चीज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी मुझे, that today I received this journal for 2023 from Simba Lifestyle. It's a brand from Rudil Sharma, and this is not of course collaboration or something. I purchased this because seriously I heard so many things पॉजिटिव रिगार्डिंग दिस जर्नल। साल के लिए मैंने इतना कुछ सोच के रखा है, और सच में मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसमें मैं सब लिख सकूं, और इसमें खोल के मैंने देखी है सब चीज़ें, सब कुछ इतने अच्छे तरीके से इसमें प्रेजेंट किया गया है। और जो मतलब मृदुल ने सच में इसमें इतना गुड तरीके से इसको, इसके स्केचेस भी देखो कितने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, और हर एक छोटी छोटी चीज़ जो हम चाहते हैं कि मैं कहीं पे लिखूं, वो ऑलरेडी इसमें ऑर्गेनाइज करके ही दिया गया है, टेबल वाइज या फिर चेकलिस्ट वाइज, ट्रैवल प्लानिंग से लेके आपके गोल, आपके अफर्मेशन, मैनिफेस्ट का भी एक सेक्शन दिया गया है कि हर एक चीज़ आप मैनिफेस्ट करो। आपको ट्रैवल प्लानर दिया गया है, आपको पैकिंग लिस्ट दी गई है, आपको मतलब हेल्दी मील प्लान भी मतलब दिया गया है कि आप इसमें लिख के रखो। इवन इसमें ड्राइंग भी दी गई है, और इसके साथ मुझे फ्री में ये चीज़ मिले है, ये सारे स्टिकर्स है। आप इसको अपने जर्नल में कहीं पर भी स्टिक कर सकते हो, अपने गोल वाइज, अपने दिन के हिसाब से उसको डिवाइड कर सकते हो। ये छोटा सा एक डायरी मिला है मुझे, इसको आप यूज़ कर सकते हो, अपने पर्स में रख सकते हो, अपने बैग में रख सकते हो। और एक चीज़ मुझे फ्री में मिली है, जो है ये कैलेंडर। आपको मैं दिखाऊंगी, मैंने एक कैलेंडर परचेज किया था 2022 का, इतना छोटू सा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इतने छोटे छोटे कैलेंडर्स। ये कैलेंडर भी कुछ ऐसा ही था, मैं आई लव इट। और वैसे भी फ्री की चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती है, आई लव दिस फ्री। और इसी के साथ आज का हमारा ये व्लॉग खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को ये उत्तरायण का व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, और मुझे नए नए आइडियाज़ भी देते रहे कि आगे आप लोग क्या देखना चाहोगे। थैंक यू सो मच, और गिव मी सपोर्ट, आई नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू, बाय बाय।